हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम SCERT द्वारा दी जाने वाली कक्षा 5 पठन अभियान हिंदी की कार्यपत्रक संख्या 37 हल करेंगे, जो कि 3 मार्च 2022 की है। बच्चों, ये 7वें सप्ताह की वर्कशीट है और इसकी थीम है आपसी सामंजस्य। सामंजस्य होता है कोऑर्डिनेशन, तालमेल। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, पहेलियां सुलझाना एक मज़ेदार गतिविधि है। आइए हम भी इस पहेली का उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। जानबूझकर बूझी एक पहेली आज, पहेली में छिपा है एक गहरा राज। समझ समझ कर तुम समझ जाना, जान जाओ तो झट से ताली बजाना। थे दो बकरे जंगल में न्यारे, बलवान इतने किसी से ना हारें। पड़े जब उलझन में घोर, ताकत का चलाना जोर। फंस गए क्योंकि पुल था बहुत संकरा, कैसे जाएं उस पार कूदने में था खतरा। तो बच्चों, यहाँ पर एक पहेली बूझी गई है जो कि दो बकरों के बारे में है, जो ताकतवर हैं और फंस जाते हैं एक संकरे पतले रास्ते पर। तो चलिए नीचे पिक्चर दी गई है, देखते हैं और उनके बारे में क्या लिखा है पढ़ते हैं। एक जंगल में पोगो और जोजो नाम के दो बकरे रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे से प्रतिदिन मिलने आते थे। पोगो एक पुल को पार कर रहा था और उसी समय सामने से जोजो आ गया। दोनों बकरे पुल के बिल्कुल बीचों बीच खड़े थे। पुल इतना पतला था कि किसी के लिए भी पीछे हटने का कोई मार्ग नहीं था। दोनों दुविधा में पड़ गए कि वे इस पुल को किस प्रकार पार करेंगे। आप देख सकते हैं चित्र में पोगो और जोजो दोनों दोस्त ने दिखाए गए हैं और किस प्रकार फिर वो अगली पिक्चर में एक संकरे पुल पर आमने सामने फंस गए हैं। तीसरे पिक्चर में वो दुविधा में पड़े हुए हैं कि किस प्रकार इस पुल को पार किया जाए। चलिए अब यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को करते हैं। प्रश्न एक, प्यारे बच्चों बताइए कि दोनों बकरे बिना पीछे हटे किस प्रकार पुल को पार करेंगे। तो बताइए बच्चों कि दोनों बकरे बिना पीछे हटे किस प्रकार पुल को पार करेंगे। तो बच्चों, आपको याद रखना है कि उन्हें पीछे भी नहीं हटना है और पुल को पार भी करना है। चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। दोनों बकरे में से कोई एक बकरा नीचे बैठकर दूसरे बकरे को जाने का रास्ता दे सकता है। इस तरह दोनों बकरे बिना पीछे हटे पुल पार कर सकते हैं। प्रश्न दो, बच्चों आपके भी कोई मित्र सहेली जरूर होंगे, तो चलिए आप अपने प्रिय मित्र या सहेली की विशेषताएं बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको अपने मित्र या सहेली की विशेषताएं बतानी हैं। सभी बच्चे अपने अपने मित्र या सहेली की विशेषताएं यहाँ लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। मेरे मित्र का नाम मुकेश है, वह बहुत मेहनती है, वह दूसरों की मदद करता है, वह पढ़ने में बहुत होशियार है, वह क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलता है, हम दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। तो यहाँ मैंने अपने मित्र मुकेश के बारे में उसकी कुछ विशेषताएं लिखी हैं, उसके बारे में कुछ बताया है। इसी प्रकार आप भी अपने मित्र का नाम लिखकर उसके बारे में यहाँ कुछ उसकी विशेषताएं लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक मज़ेदार गतिविधि दी गई है। अगर आपको जंगल में घूमने का मौका मिले तो आप कौन कौन से जानवरों को देखना पसंद करेंगे और क्यों। तो बच्चों, यहाँ पर पूछा गया है कि यदि आपको घूमने का मौका मिले, कहाँ पर, जंगल में, तो आप कौन कौन से जानवरों को देखना पसंद करेंगे और क्यों। तो सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर स्वयं लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अगर मुझे जंगल में घूमने का मौका मिले तो मैं सभी जानवरों को देखना पसंद करूँगा, क्योंकि सभी जानवरों की अपनी अपनी विशेषताएँ होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे सांप और मेंढक एक दूसरे से क्या बात कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद, जिसे बातचीत कहते हैं,
को ऊंची आवाज में बोलिए और अपने अध्यापक अध्यापिका को बताइए। तो बच्चों आप देख सकते हैं चित्र में सांप और मेंढक दिखाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार सांप ने मेंढक को अपनी पूंछ में लपेटा हुआ है। तो मेंढक क्या कर रहा होगा? मदद मदद, बचाओ मुझे बचाओ। तो मेंढक चिल्ला रहा होगा मदद के लिए और कह रहा होगा बचाओ मुझे बचाओ। तो सांप क्या कह रहा होगा? तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तो यहाँ आप इसी प्रकार इन दोनों के डायलॉग्स संवाद लिख सकते हैं। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।